नबी पाक की खिदमत में जेड़ा आंदा गया रंग लेंदा गया नेड़े बांधे गए नेड़े बांधे गए अजमतां पेंदे गए मुस्तफा रंग लेंदा गया कोई अबू बकर बनिया सदाकत दे विच कोई फारूक बनिया अदालत दे विच कोई उस्मान बनिया सखावत दे विच कोई खैबर दे दर नू पटेंदा गया जेड़े आंदे गए नेड़े बांदे गए जब आप और मैं छोटे थे बड़े बड़े याद होगा देहातों में गांवों में बर्तनों को कली करने वाले आते थे जो रंग लगाते थे बाहर बैठ जाते थे अम्मा हमारियां दादियां नानियां बर्तन ले आती थी उसे कहती थी कली कर दो और साथ ये भी कहती थी पिछले साल तू आया था कली कर गया इतना कच्चा रंग लगाया 6 महीने में उतर गया अब ऐसी कली करियो जो 5 साल तक रंग ना उतरे ये दुनिया वाले जितने रंग लगा ये दीवार पे रंग लगाया 2 साल 5 साल के बाद फिर दूसरा लगाना पड़ेगा रंग उतर जाएगा जिनको अल्लाह ने रंग लगाया आज तक नहीं उतरा जिनको मुस्तफा ने रंग लगाया आज तक उतरा नहीं सुभान अल्लाह आज तक उतरा नहीं सिबगत अल्लाह उससे पूछा क्या लाया इनसे पूछा पीछे क्या छोड़ाया सुभान अल्लाह उन्होंने कहा आधा लाया आधा छोड़ाया इन्होंने कहा घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ाया बाकी सब कुछ ले आया सुभान अल्लाह हजरत उमर कहते हैं मेरे आंसू निकल आए पहले तो मैं सोच रहा था आज आधा लाया हूँ नंबर ले जाऊंगा लेकिन जब अबू बकर ने ऐसी बात की जब जिब्रील भी इसका लिबास और नकल लेके पहन के आ गया तो अब मैंने जोर से कहा अबू बकर नंबर तेरा ही पहला है और कोई दे किसे दा भी नंबर तेरे को लो पहला कोई नहीं हर जगह ते तेरा ना मुसलमान सुबह सुबह कवाली लगाता है दमा दम मस्त कलंदर अली द पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली द पहला नंबर किसका अबू बकर बात याद आई अबू बकर किसे कहते कुंवारी लड़की नवीन कोर अनटच ना अंदर दाग ना बाहर दाग साफ सुथरा बाकी जितने सहाबी आए इस्लाम से पहले किसी ने कत्ल भी किए थे किसी ने शराब भी पी थी किसी ने कुछ भी किया था कुछ भी किया हजरत उमर के बारे में नहीं सुनते वो तो तलवार उठाकर हुजूर को कत्ल करने आ गए जो अंदर और बाहर से पाक और साफ था नंबर दो अल्लाह आपको मक्के ले जाए आमीन कह दो मदीने ले जाए आमीन कभी कभी हम भी जाते हैं तो दिल करता है कि ऊंटनियों का दूध पिए वहां मिलता है बाहर आप चले जाएं अरफात से आगे तो मैदान में ऊंटनियां बैठी हैं दूध लो 10 रियाल का प्याला 20 रियाल का प्याला 15 रियाल का प्याला मिलता है ताजा निकलवाओ पी लो दुकानों में पैक भी मिलता है तजर्बा करके देख लेना कि जिससे आप दूध लेते हो वो आपसे पूछेगा पहले बच्चे वाली डाची का दूध पी नहीं या दुए त्रीए बच्चे वाली दाई का दूध पी ऊंटनी का दूध पी अगर ते पहले बच्ची वाली डाची का दूध पी नहीं तो वह प्याला ही 20 रियाल का समझ आ रही है अगर दूसरे तीसरी बच्ची वाले की ऊंटनी का दूध पीना है तो वो प्याला है 10 रियाल का पूछा क्यों कहता वो पहली दफा मां बनी है ना उसकी कीमत ज्यादा है अबू बकर क्यों कहते हैं हजरत अबू बकर को कहा कि ये इस्लाम का पहला है